बादल जो टकराई, बिजली की कड़कड़ाहट, नदियाँ की धारा लगे लहराने, सूरज की किरणें पड़े गुलाबों के पंखुड़ी पर, बारिश में मुड़ी जैसे मचलाए, देखो कोयल गाए मेरे मन का गाना, देखो सावन की सुबह कैसे बहराए, साए की तरह हमें साथ दो, सोने की तरह तुम चमकते रहो। चांद जैसी तू लगती हो, सुकून मिले संगीत में, चांद जैसी तू लगती हो, सुकून मिले संगीत में, हमेशा मिले यहाँ शुद्ध जला, बारिश के पानी से मिले गाँव को जल, सोने में लगे हीरे की तरह तू, आसमां में पंछी तुम उड़ते रहो, बादल जो टकराई, बिजली की कड़कड़ाहट, नदियाँ की धारा लगे लहराने, सूरज की किरणें पड़े गुलाबों के पंखुड़ी पर, बारिश में मुड़ी जैसे मचलाए, देखो कोयल गाए मेरे मन का गाना, देखो सावन की सुबह कैसे बहराए। क्यों भाई, आप पेपर नहीं छोड़ोगे क्या? अरे ये तो आज का पेपर नहीं है। मैं कल का भी नहीं पढ़ा था। कौन बोलो जी? मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ, वो अध्यक्ष जी का इंटरव्यू लेने आया हूँ, अपॉइंटमेंट लिया था मैंने। ओहो, ये प्रेस वाला इंटरव्यू लेने आया है, इसको रामबाबू के पास। ओहो हाँ ठीक है ना, मैं ले जाता हूँ। आइए आइए। हाँ कैसे हैं? कोई ना कोई इंटरव्यू लेने आ जाता है। पड़ेगा पेपर, आज मेरे को पढ़ने को मिलेगा भी कि नहीं पता नहीं। हो गया भाई। अरे बताया ना आपको, आज का अखबार नहीं है ये। प्रेसिडेंट साहब इतनी जल्दी किसी से भी मिलते नहीं है, समझे? जी जी जी। इधर बैठिए, आइए। धन्यवाद। हाँ बैठिए बैठिए। नमस्ते 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 नमस्ते। सर हमारे एरिया में पानी का बहुत प्रॉब्लम है, जरा देखिए ना। इस बार तो बारिश अच्छी हुई, लेकिन पानी की प्रॉब्लम क्यों हुई? नहीं सर, ठीक है, हम देख लेंगे देख लेंगे। हमारी गली के कुत्ते बहुत परेशान करते हैं। हाँ गली में कुत्तों का तो प्रॉब्लम बहुत है। चार लोगों को बोलो कि एक टीम बनाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करें, और ध्यान रहे बच्चों को ना काटें। हमें दवाइयाँ नहीं मिली अभी तक। वो दवाइयाँ आए थे ना, वो सब हमने गांव में दे दिया था। हाँ वो टॉयलेट में डलवाना बहुत जरूरी थी, नहीं तो बीमारियां फैलती। तुम लोग ध्यान रखा करो, हर बात मुझे हैंडल करनी पड़ती है। लाइए। सड़क का काम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम अपना काम कैसे शुरू कर सकते हैं? हाँ मुझे पता है, आप लोग सड़क का काम खत्म करने का इंतजार कर रहे हैं ना, खत्म होते ही बता देना। अध्यक्ष जी वहाँ प्रेस वाला आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा ठीक है, तुम उसको बिठाओ। अभी वो प्रेस वाला आया है, मैं उससे बात कर लेता हूँ, बाद में आप लोगों से मिलता हूँ। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। बोलिए आपकी पत्रिका का नाम क्या? मातृभूमि। वो तो ठीक है, आपने अपना नाम तो बताया नहीं। मुकुल। मुकुल, ओके। साहब चाय। सुनो जी। अरे जब कोई मेहमान आता है तो चेहरे पे हंसी रखा करो। जाओ, पढ़ाई लिखाई नहीं किया ना इसलिए नहीं जानता। टाइम क्या हुआ? 10:15 बज गए, मेरा तो चाय पीने का टाइम हो गया। हाँ तो बोलिए, आप क्या पूछना चाहते हैं?
बोलिए बोलिए। सर आप जानते हैं मुदलियूर गांव यहाँ का प्रसिद्ध गांव है। अच्छा, आसपास के गांव से इसकी हाँ। प्रसिद्धि के बारे में बताइए। ऐसा है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस गांव के प्रेसिडेंट आप हैं, तो आपको यहाँ की प्रसिद्धि के बारे में पता होना चाहिए ना सर। ये जो गांव है ना मुदलियूर, प्रकृति की बहुत कृपा है, इससे सुंदर कोई गांव नहीं। हाँ तो तुम्हें इस गांव के बारे में बताता हूँ। पहले इस गांव में कुछ भी नहीं था, चारों तरफ सिर्फ तालाब तालाब और पानी ही पानी था। और तालाब होने के कारण यहां तो बहुत मछलियां मगरमच्छ और भी जीव जंतु थे। उसके बाद धीरे धीरे लोग यहां रहने के लिए आने लगे और उनका पालन पोषण इन मछलियों के द्वारा होने लगा। दिखने में तो ये गांव बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और शुद्ध वातावरण भी है, पर यहाँ की दो समस्या मेन है। चाचा एक चाय। जमाल एक चाय ले आओ। थोड़ा टाइम लगेगा, लाता हूँ। अरे चाय का गंज साफ कर। तीन चाय। जमाल तीन चाय और ले आ। चाय आ रही है। ये बताओ आप लोग आए कहाँ से हो, यहाँ के तो नहीं लगते। ले चाय। चाचा मैं मित्रभूमि पत्रिका से आया हूँ। हमें पता लगा कि इस गांव में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है, इसलिए मैं लोगों के घर जा जाकर उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। अरे तुम लोगों ने सुना क्या जोक मारता है? अरे कुल्फी वाले की चाय का पैसा नहीं आया। तू अपना काम कर। इधर आओ, हम तुमको समझाते हैं। इधर आते रहना भाई तुम लोग। अरे पीनी नहीं होती तो बनवा देते हो। जमाल चाय कैंसिल। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। देखो भाई, तुम हमारे गांव मुदलिया के बारे में कुछ नहीं जानते हो। यहाँ जितने लोग रहते हैं ज्यादा से ज्यादा अशिक्षित हैं। इन लोगों को पढ़ाई के बारे में समझाने का क्या फायदा? कुछ लोग तो पढ़े लिखे होंगे, उन्हें तो समझाया जा सकता है ना? हाँ समझाओ, समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं गांव की समस्या के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ के नौजवान महीने में जो एक फिल्मी पत्रिका आती है ना, उसे पढ़ने नहीं आते, उसमें जो सुंदर लड़कियों की फोटो होती है ना, उसे निकालने आते हैं। हम लोग जब पढ़ने लिखने की बातें करते हैं ना, तो उनके पास बस एक ही बहाना होता है, इस गाँव में पढ़ने लिखने की सुविधा कहाँ है। यहाँ पढ़ने के लिए सिर्फ एक छोटा सा स्कूल है, वहाँ भी बस गिनती के बच्चे पढ़ने आते हैं। अब आप ही बताइए, एक स्कूल में कितने बच्चों को पढ़ाया जा सकता है? यहाँ के स्कूल को अपग्रेड करने का काम पंचायत का ही है ना, वो क्यों नहीं हुआ? अरे उसे अपग्रेड कराने का काम पंचायत का नहीं है, वो तो स्कूल कमेटी का है। फिर भी पंचायत कोशिश कर रही है। या अल्लाह, सूर सूर। हाँ। अरे बिना दूध वाली चाय ले आओ। अभी लाती हूँ। गरम है, ध्यान से पीजिएगा। कोई बात नहीं, ठंडी होने पर पी लूंगा।
अरे तुम मेरे पास तो बैठो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। क्या देखेंगे आप? आप ही ने कहा था घर में हर वक्त नकाब में रहना चाहिए। अरे पर यहाँ हम दोनों ही हैं, बाहर का कोई नहीं है। मैं तुम्हारा दीदार करना चाहता हूँ। सुभानअल्लाह, कितने खूबसूरत हो तुम, एकदम चांद की तरह। मेरी पहली दो बेबियां मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मुझे उसका कोई गम नहीं, क्योंकि मुझे जन्नत की परी जो मिल गई है। देखो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए पर्दे में रहने को कहता हूँ। अब दुनिया कैसी है तो तुम जानती हो। चाचा जान, चेहरा ढको, चेहरा ढको, जाओ अंदर जाओ, जाओ जाओ। ये है इस गांव की तकलीफ, बुड्ढे की ये तीसरी बीवी है जिसकी शक्ल सब कोई देखना चाहते हैं। पढ़ाई और स्कूल की किसको फिक्र है, हाँ? सारे लोग बस उसी के दर्शन करना चाहते हैं। अब इस गांव की दूसरी समस्या के बारे में सुनो। इस गांव में टॉयलेट नहीं है, यहाँ के लोग तालाब के नजदीक कहीं भी बैठ जाते हैं। अब जिस गांव में जरूरत की सुविधाएं ना हो तो वहाँ के लोग पढ़ाई के बारे में कैसे सोच सकते हैं? अब जिसे भी कोई समस्या होती है वो सीधे अध्यक्ष के पास चले जाते हैं। अब उसके पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि सब समस्या सुलझा दे। मत मारो, अरे मत मारो, अरे देखो मुझे मत मारो, पैसा निकाल, मत मारो, पैसा खा के भागेगा कहाँ तू, डाल पैसा निकाल मेरे, छोड़ छोड़ो, क्या हुआ, ऐसे आपस में लड़के मर जाओगे क्या? जाओ, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। बड़े आए, बैठ, अरे बैठना। क्यों मारा तुझे उसने? वो मेरे से जब जब मिलेगा मुझे उसे पैसे देने पड़ेंगे। सिर्फ इतनी सी बात के लिए नहीं मारा होगा तुझे उसने? उसको लगता है कि मेरा चक्कर उसकी माँ के साथ चल रहा है। ऐसी बात सुनेगा तो कोई भी मारेगा तुझे। पागल है वो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है इसलिए उसने मुझे मारा। मैं उसके पूरे पैसे चुका दूंगा। कोई बात नहीं, चुका देना भाई, लेकिन ये जो तेरा थोबड़ा बिगाड़ा है उसका क्या होगा? वैसे देखा जाए तो सुनील की तरह बहुत सारे लड़के हैं इस गांव में। काम रहे ना रहे पर दारू के लिए शाम को पैसे जरूर चाहिए। ये सब आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ये सर छुपाने के लिए नहीं, शराब बनाने के लिए। और इस पाइप से बोतल में शराब भरते हैं। ये सब हमारे गांव के बदमाश हैं। लासर, लासर है इन सब का मुखिया। वाह। ये तो कमाल की है बसंती। हाँ कमाल तो होगी, इससे पहले क्या कम कमाल की थी साहब जी। बसंती, जरूरत का सारा सामान दिला दूंगा, बस तुम इसी तरह मेरा ख्याल रखना। क्या साहब, आप भी नो। उसने जो पैसे लिए थे नहीं देगा क्या? पहले थोड़ा पैसा दिया था साहब, पर अब वो आगे एक भी पैसा देने से इनकार कर रहा है। मैंने पूछा क्यों नहीं देगा तो उसने मुझे मारा साहब, और देखिए ना मेरा हाथ भी टूट गया। तू भी साथ गया था ना? मैं भी। उस समय तो ये ऐसे वहां से भागा था ना कि अगर ओलंपिक में भागता तो इसे मेडल मिल जाता साहब। सुनो, शहर से और लड़कों को बुला लो, अब ये काम वही लोग कर सकते हैं। ये लासर पैसा देना भी जानता है और वसूलना भी। चलो ठीक है साहब। ये लोग यहाँ हैं।
अरे यहाँ तो 4-5 लोग हैं, इन्हें कैसे अरेस्ट करेंगे? रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। अगर हम साथ में अटैक करें तो कर सकते हैं, अगर हमारे पहुँचने से पहले भाग गए तो क्या करेंगे? नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं जब 1 से 3 तक गिनूंगा तब तुम लोग अटैक कर देना। अरे साहब, आपके 3 बोलने के बाद हमें क्या करना है? कुछ भी बोलते हो, चुप रहा करो ना। 1, 2, 3 चलो चलो, कम ऑन कम ऑन, आजा आजा आजा। ए पकड़ो, ए पकड़ो, ए कोई बात नहीं, चला जाने पाए, पकड़ो, ए पकड़ो, ए चल। अरे छोड़ो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अरे छोड़ो छोड़ो साहब, चल हमें शराब बनाता है, चल 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 साथ में, चल चल, चुपचाप जाओगे नहीं तुम लोग? हाँ चल, ए अरे कर लो सब, कानूनी काम करते हो? हाँ चलो चल, चुपचाप चल, ए चल तू भी चल, नाटक नहीं करने का, चल चल। ये स्लो मोशन में जो कुत्ते हुए दिख रहे हैं ना, यहाँ जो भी कुछ हुआ है ना, उस फसाद की जड़ यही 3 लोग हैं। मेंबर कैमल, मच्छी वाला अब्बू, और जिसके पास कभी कोई काम नहीं रहता वो है सुधाकर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे गांव से लास्टर की शराब की दुकान बंद कराने में सफल हुए इस पंचायत के मेंबर्स, जिसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस अभियान में जो जो लोग भी शामिल थे, मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं। अब इसके बारे में 2 बातें और करने के लिए मैं यहां अब्बू को बुलाता हूं। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वो नकली शराब दुकान पुलिस के थ्रू पकड़वाने की खुशी में हम यहाँ पर उत्सव नहीं मना रहे हैं, बल्कि हमें इस बात का दुख है कि हम अभी तक लासन को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करवा पाए। अगर हम पकड़वा भी दे तो वो 2 दिन में जमानत में बाहर आ जाएगा। रुको रुको, 2 दिन के अंदर लासन अपने आदमियों को छुड़ा लेगा, उसके बाद हमारा क्या होगा जानते हो? सामने से तो वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन पीछे से जरूर करेगा। आप भी ना मेंबर, वो तो क्या उसका बाप भी आ जाएगा ना, तो भी कुछ नहीं कर सकता। वो बात छोड़ो मेंबर। अच्छा ये बताओ कि हम लोग जो पढ़ाई के बारे में बात की थी उसका क्या हुआ? ये सब होगा कैसे? होगा होगा, अगर हम लोग इसी तरह इकट्ठा रहेंगे और एकता बनाकर रखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो हम लोग 10वीं क्लास का एग्जाम दे पाएंगे ना? जरूर लिखेंगे। 10वीं क्लास पास करके मैं सुल्तान की तरह उड़ना चाहता हूँ। तू अपने लिए नई बीवी लाने वाला है क्या? क्या भी ना, जो 1 बीवी है उसे ही नहीं संभाल पा रहा हूँ मैं। मची 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 मची, जल्दी आओ मची ले जाओ, जल्दी आओ मची ले जाओ। आप क्यों इतनी देर से आती हो कल्याणी? मच्छी एकदम ताजा है। पिछली बार कम दिया था, इस बार ज्यादा देना। क्या बेच रहे हो भैया? मच्छी। आपने क्या सोचा था मैं आपके लिए क्या लाने वाला हूँ? ये तो मरी हुई मछली लग रही है। क्या कह रही हो? अरे ये देखो, ये जिंदा है। मैं हमेशा फ्रेश मच्छी लाता हूँ, मेरी पकाई मच्छी का स्वाद ही अलग होता है। पकाओ और खाओ। ए, इसे पकाने के लिए मिर्च मसाला इन सब की जरूरत होती है। ये तो आपको ही करना पड़ेगा ना। पैसा दो। ओहो, पैसे कल दे दूंगी, शशि बाहर गया हुआ है। तो कल मिलेगा पैसा। मैंने कितनी बार कहा कि उधार मत दिया करो और माझी आप भी मत लिया करो, बेइज्जती होती है ना इसमें। अरे इसमें बेइज्जती की क्या बात है, मच्छी खा लो, पैसा कल दे देना, चिंता क्यों करती हो कल्याणी? वो कहाँ से लाई हो तुम ऐसी बहू? बहू मच्छी।
पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं दलाब के पास जा रहा हूँ। ज्यादा देर मत करिए, जल्दी आ जाइएगा। ठीक है। अब पिताजी वो किराने वाले को पैसा देना है, तो आप पैसे छोड़ दीजिए, मैं जाते हुए दे आऊंगा। लेकिन पैसा। ठीक है, कोई बात नहीं, भास्कर को बोल देना, वो दे देगा। देखता हूँ, पहले का पैसा भी बाकी है। हाँ, इनकी कोई बात समझ में नहीं आती। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिसके पास कोई भी काम ना हो वो है सुधाकर भाई। इनका घर परिवार भी है, पर वही सबसे बड़ी मुश्किल है। बेटी दवाई लेना मत भूलना। अभी लेकर आती हूँ। ऐसे क्यों लेकर आ गई? इस पर अच्छी तरह से टेप लगाना पड़ेगा। पापा आप इसे अच्छी तरह चिपकाइए ना। यहाँ नहीं, साइड में रख दो। बेटी पापा को साथ ले जाने के लिए वीजा नहीं मिलेगा क्या? हाँ, कैसी बातें कर रही हो? मैंने वहाँ लोगों को कहा है कि मेरे पापा बहुत बड़े इंसान हैं, लेकिन पापा का तो ABCD तक नहीं आती, ये सिर्फ हम जानते हैं। सुनो, कल तुम आके मशीन में जो ड्रेस है ना, उन्हें साफ करके प्रेस कर देना। ये तुम रख लो। बसंती बेटा, पापा को टाइम से खाना दे देना, उनका BP और शुगर बढ़ गया है। मैं जरूर ख्याल रखूंगी, आप टेंशन मत लो। यहाँ रख दो। हाँ रख दो। पत्नी और बेटी गल्फ चली जाएगी तो उसकी जिंदगी में सुधार आ सकता है, पर उसके लिए उसके जीवन का पहला मकसद है 10वीं क्लास पास करना। वैसे वो पढ़ना भी चाहते थे, लेकिन उनके ऐसे सोचने का क्या फायदा? अब इन सब बातों का फैसला गांव में सिर्फ एक ही आदमी ले सकता है। उसके बारे में जानना चाहोगे? तब ज्यादा मत सोचो, वो मैं ही हूँ। नमस्ते सर। तो भाई आपने क्या फैसला किया है? देखिए, मैंने ये फैसला किया है, जरूरी नहीं कि 7th क्लास पास किया जाए। मैं तो कहता हूँ कि उन्हें सीधे 10वीं क्लास पास करा दिया जाए। पर वो कैसे? डायरेक्ट एग्जाम देंगे, और जब 10th पास कर जाएंगे तो उन्हें सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब आप बोलिए। साथ ही पास तो होना ही पड़ेगा। वो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो हर बार 5-10 नंबर से फेल ही हो जाता हूँ। ऐसा बोलिए कि आप पढ़ना ही नहीं चाहते। अरे भाई, जब पंचायत का अध्यक्ष ही 10वीं फेल होगा तो सोचने वाली बात है, पंचायत का क्या होगा? प्रेसिडेंट ने सभी विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने का वादा किया था। क्या ये किसी ने कहा? 7th पास आदमी ने। 7th पास? हाँ। ये तुम लोग कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तो ठीक है, देखो कितना अच्छा बोर्ड बनाया ना, देखो। हाँ, बोर्ड तो अच्छा ही बना। बोर्ड तो अच्छा बनाया यार, बहुत बढ़िया बोर्ड बनवाया तुमने। एक बोर्ड पर तो ये लिखा है कि 10वीं का एग्जाम हम डायरेक्ट पास कर सकते हैं, और ऐसा वादा भी किया है। भाई जब इलेक्शन आता है तो नेता लोग बोर्ड लगाते ही हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? नहीं नहीं, वो बोर्ड नहीं है। इस गांव में कोई पढ़ाने के लिए मास्टर आया हुआ है। हाँ आया तो है, वो दिखने में एकदम फिल्म एक्टर ममूटी जैसा लगता है। कितना अच्छा होगा कि हम लोग भी पढ़ने जाएं। अरे तुम लोग क्या पढ़ोगे, तुम लोग तो 7वीं पास भी नहीं हो। ये कह रहा हूँ ना, पहले 7वीं पास करो, उसके बाद 10वीं के सपने देखना। ये
ये लो अब्बू भी आ गए। आओ आओ बैठो। आओ आओ। सलाम वालेकुम। आओ बैठो। नमस्ते। बेटी है क्या? नहीं नहीं, मेंबर की बीवी इसे छोड़कर गल्फ चली गई है। इसे यहाँ इसलिए छोड़ दिया कि इसे गल्फ में कोई काम ही नहीं मिलेगा। बताओ, गल्फ वाले भी मेंबर को नहीं रखना चाहते, इसलिए छोड़ दिया। मैं बगल वाले घर में रहती हूँ, यहाँ आए मेंबर्स का मैं ख्याल रखती हूँ। तो सिर्फ बाबूजी ही काम करते हैं क्या? बाकी सब फ्री हैं क्या? क्लास कब से शुरू होगी? क्लास शुरू करने के लिए अभी और लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्या है कि इस गांव में सातवीं क्लास पास लोग बहुत कम ही हैं मास्टर जी। तो तुम लोग इस उम्र में क्यों दसवीं पास करना चाहते हो? भलाई के लिए, क्या हम पढ़ सकते हैं? पढ़ाई तो किसी उम्र में भी की जा सकती है। आप लोग एक बार सोच लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ाई चालू करेंगे। एक लिस्ट बना लेंगे, सबके हिस्से में बराबर काम होगा, सब मिलजुल के करेंगे ना। तो हम सबको मिलके ये करना पड़ेगा ना मेंबर। हे, तुम अपना काम करो। हाँ बोलो। अरे साहब, वो मेंबर अबू सुधाकर मिलकर गांव वालों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने मास्टर को बुलाया है। तो बुजुर्ग लोगों को जमा करके वो दसवीं पास कराने के लिए मास्टर को बुलाया गया है। ये नहीं हो सकता, अगर ये हो गया तो हमें बहुत तकलीफ होगी। इसे रोकना ही पड़ेगा, और लासर इसे रोक कर ही रहेगा। उन्हें छोड़ा नहीं भाई, तू चुप हो जा इनको। चुपचाप गाड़ी साफ कर। कुछ करना पड़ेगा। देखिए मास्टर जी, ये 3000 साल पुराना मंदिर है, इस गांव के सारे बड़े त्योहार यही मनाए जाते हैं। मंदिर ही नहीं, बहुत कुछ है देखने को। मास्टर जी साइड हो जाए। हाँ। हाँ, सुधाकर। हाँ। नमस्ते। खुश तो हो ना? हाँ? हाँ। अरे वाह, सुना तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एक बात मेरी समझ में नहीं आई अबू, आजकल तू समाज सेवा बहुत कर रहा है, मछली का धंधा बंद कर दिया है क्या? अरे हाँ, आप ही आए हैं ना पढ़ाने के लिए मास्टर जी। इनसे मेरा परिचय भी तो करवाओ। कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लेता हूँ। आओ मास्टर जी। यहाँ के लोग सही नहीं है, मैं भी सही आदमी नहीं हूँ, इसीलिए आपको सावधान करना चाहता हूँ। ये पढ़ाई वढ़ाई का चक्कर छोड़कर आप अपने घर वापस चले जाइए, इसी में आपकी भलाई है। इस बंदूक से बहुत दिनों से गोली नहीं चली है। जानते हो, आखिरी बार गोली तब चली थी जब कोई हमारे खिलाफ गया था। इस गांव में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे नहीं डरता। मेरी बात मानो और तुम वापस गांव लौट जाओ। लासर भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, अगर आप वापस जाएं तो आपके वापस लौटने का इंतजार करने वाला यहाँ कोई नहीं। अब इस गांव से मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपना काम पूरा करके रहूंगा। लासर भाई आप चले जाएं, यहाँ धूप बहुत है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। चलो भाई। चलिए चलो चलते हैं। स्कूल के लिए हमें हाजिर से कब मिलना है? हाजिर क्या, चल के ही बात करते हैं। हम अभी वहाँ चलते हैं मास्टर जी। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम हाजिर भाई। नमस्कार नमस्कार। वालेकुम सलाम। आप भी बैठ जाओ। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। भाईजान, प्रेसिडेंट जी ने तो आपको बताया होगा। प्रेसिडेंट ने तो मुझे बताया था, लेकिन उसकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मेंबर हाजिर को सारी बात बता दीजिए। भाईजान, वो क्या है कि इस गांव में सातवीं क्लास तक पढ़े लिखे लोग बहुत हैं। पहली बार इस गांव के लोगों को दसवीं पास करने का मौका मिल रहा है। अरे तो अच्छा है, मौका मिला है तो पास करो,
तुम्हें किसने रोका है? हाँ पर हमें भी पढ़ना चाहिए ना हाजिर साहब। हाँ पढ़ना चाहिए और दसवीं का एग्जाम भी पास करना चाहिए। अगर हाजिर स्कूल में सुविधा करें तो कैसा रहेगा? अरे हमारे स्कूल में कहाँ इतनी जगह है। हम पढ़ाई के लिए एक मास्टर को लेकर आए हैं, अगर आप जगह दोगे तो बहुत दया होगी आपकी। अरे ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता भाई। हमारे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग वहाँ कैसे पढ़ पाएंगे? ठीक कह रहा हूँ ना? आप हमें सिर्फ शनिवार और रविवार दे दो। अभी तो बच्चों के स्कूल की छुट्टी भी है ना। ओह तो ऐसी बात है। तो ठीक है, जिन क्लासरूम में बच्चे नहीं पढ़ते हैं वहाँ पढ़ सकते हो। जाओ और जाकर स्कूल शुरू करो। अब खुश हो तुम लोग? अब कोई परेशानी तो नहीं है ना? अच्छा अच्छा शुक्रिया। ठीक है ठीक है। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ हाजिर सारी बात समझ गया। सुनिए जी। अरे तुम वहीं रुको, मैं ही अंदर आता हूँ। अरे सब लोग तो चले गए ना? हाँ चले तो गए हैं सब लोग। अरे जब तक मैं नहीं कहता हूँ तुम ऐसे बाहर मत आया करो। मैंने किसी को नहीं देखा, बस आवाज सुन रही थी। अरे अब तुम अपना ये नकाब नीचे करो, कोई भी कभी भी आ सकता है। दरअसल क्या है कि मेरी बीबी का चेहरा हमेशा ढका रहे, मैं यही चाहता हूँ। तुम मेरे लिए इतना नहीं करोगी? आपसे बात। हाँ क्या बात? मैंने दसवीं तक पढ़ाई की है, मुझे अब आगे और पढ़ना है। अरे हमारा खुद का स्कूल है, फिर भी मैं सिर्फ चौथी तक पास हूँ और तुम कह रही हो कि तुम्हें दसवीं पास करना है। मुझे आगे पढ़ाई करनी है और मैं जरूर करूंगी। अगर आपने मुझे रोका तो दूसरी बीबी देख लेना अपने लिए। अरे अब ये भी दूसरी बीबी की धमकी दे रही है। अल्लाह अब मैं और कितनी बीवी लाऊंगा। आज वो नहीं आएगा? उसके घर में काम चल रहा है, वो अभी कुछ दिनों तक नहीं आ पाएगा। और वो बशीर जो है ना, वो उसके घर का काम करवा के बहुत सारे पैसे ले रहा है। उसकी बेटी फातिमा भी मुझसे कह रही थी कि सरदर्द हो गया है उसका। हमको कैसे भी करके दसवीं का एग्जाम देना है। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अल्लाह। अच्छा सुनो, मैंने एक लिस्ट बनाई है और उसमें सुधाकर तुम भी हो और मैं भी हूं और साथ में वेलाइदन, कृष्णन, पणिकर, साथ में कुट्टपन और वो जो हमारा वर्गीस है ना। हाँ हाँ वो। इसके अलावा कल्याणी, सरस्वती और मारिया। लेकिन कल्याणी को एक छोटी समस्या है, उसका बेटा जो है वो आजकल बीमार है, अब उसका आना मुश्किल है। फिर भी हम कोशिश करेंगे। वो आएगी मुझे ऐसा नहीं लगता है। अरे वो सब हम संभाल लेंगे, कल्याणी के घर तो मैं रोज ही जाता हूँ ना। सबसे बड़ी समस्या उस सरस्वती की है। अरे उस सरस्वती को छोटी छोटी सी बात भी 10 बार समझाने में समझ में आती है, पता नहीं उसका पति कैसे झेलता है उसे। हमारे वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं होगा, हम ऐसा करते हैं कि पोस्टर छपवा कर वहाँ बंटवा देते हैं। हाँ ये सही है। तो फिर जाके जल्दी से शर्ट पहन कर आओ, हम अभी चलेंगे। ठीक है। चलो चलते हैं। जाओ। ठीक है। नमस्ते। नमस्कार। ये कौन है? मुझे आप नहीं पहचानती हैं? नहीं मैं नहीं पहचानती। कौन है? हम लोग सब इसी गांव के। ये है, ये इनका नाम कैमल है, हम इसे मेंबर कहते हैं, और वो सुधाकर, और मेरा नाम अबू। मुझे माफ कीजिएगा, मैं बाहर के लोगों को नहीं पहचानती। आप अंदर जाके बैठिए। आइए अंदर। अभी बैठने का टाइम नहीं है, हम लोग कुछ बात करने आए हैं। हम लोग सब मिलके अपने गांव में स्कूल शुरू करना चाहते हैं। हमने सुना है कि सरस्वती ने भी दसवीं पास नहीं किया, अगर आपको मंजूर हो तो अभी स्कूल आ सकती है, और भी बहुत लोग आ रहे हैं। सुनिए आप अंदर जाइए, मेरे पति हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता। बेटी पिताजी को अंदर लेकर जाओ। कुछ भी हो मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं क्लास में जरूर आऊंगी। जी। अच्छा हम चलते हैं ना।
देखना सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लोग भी जुड़ेंगे मेंबर। आएगी तो अच्छा ही है। ये क्या जिंदगी है कल्याणी, गुलाम की तरह हम लोग कब तक जीते रहेंगे बताओ? एक न एक दिन तो हम सबको मर ही जाना है ना। जब तक जिंदा है अच्छे अच्छे काम करेंगे तो मन को खुशी मिलेगी। ये आप कैसे बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि शशि जी मानेंगे। इस उम्र में ये बैग लेकर स्कूल जाएंगी तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा क्या? देखिए आप जाइए, ये नहीं आएंगी। माँ जी चलिए अंदर, ये मच्छी बेचने वाला क्या पढ़ाई करवाएगा। अबू भाई मैंने तुम्हारी बात सुनी और मैं स्कूल जरूर आऊंगी। मैं उसकी बात का बुरा मानता हूँ कल्याणी। वेलकम टू अवर स्कूल। जाओ जाओ जाओ। अरे मेरी मच्छी का पैसा तो दे दो। उधार खाते में लिख लेना। उधार खाते में लिख लेना, क्लिक क्लिक के खाता खत्म हो गया। यहाँ बेकार क्यों आ गए? मैं तो कह रहा हूँ यहाँ कोई नहीं आएगा। अरे पणिकर भाई, मैं इन लोगों को लेकर सबके घर पर गया था और उन सबको बुलाकर भी आया था। मुझे लगता है कोई ना कोई तो जरूर आएगा। हमारा मास्टर हमसे जो कहेगा वो हम करेंगे। क्या हुआ, कोई नहीं आया? आएंगे मास्टर, जरूर आएंगे। ठीक है। मैं तो अभी भी कहता हूँ कोई नहीं आने वाला। तुम ऐसा क्यों कहते हो परिकर, देख लेना कोई ना कोई आएगा। हाँ शांत हो जा बूढ़े बाबा, वो देखो सामने लोग आ रहे हैं। ये देखो कल्याणी आ गई। यहाँ आने से मन को शांति मिलती है ना। चलो इसलिए मैं भी यहाँ। अच्छी बात है, चलो चलो अंदर चलो। अरे मास्टर जी आ गए। मास्टर जी नमस्ते, बैठिए। अभी कोई और आने वाला है कि चालू करूं? नहीं और कोई नहीं है मास्टर। ये आप लोगों के लिए नोटबुक है, आप लोगों को इसी में ही पढ़ाई करनी है। ये लो, हाँ आप भी लीजिए। हाँ ये आप भी लीजिए। यहाँ पर सभी उम्र के लोग हैं और जब तक हम यहाँ क्लासरूम में हैं तब तक हम सब एक ही उम्र के हैं। आप लोग मन लगा के पढ़ें, मैं आपके साथ हूँ। और जो आप करना चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए अभी हमारी संख्या कम है। अरे ये क्या? अभी हम क्लास में कुल मिला के 11 लोग हैं पर हमें पूरे 12 लोग चाहिए। अरे एक कौन अभी एक लोग बच गए हैं और कहाँ से लेके आएंगे? इतना मुश्किल से किसी ने कहाँ से ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब एक कहाँ से लेके आए? मास्टर जी, मास्टर जी मुझे भी आपके क्लास में पढ़ाई करनी है। अरे ये तो हाजिर की बीवी है। हाँ आइए आइए। अब हम शुरू करते हैं। विद्या ददाति विनयम, तो विद्या हमें विनम्रता सिखाती है, विद्या हम सबकी जरूरत है। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, तो आप में से ऐसा कौन है जो दिल से पढ़ना चाहता है, या यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ 10वीं पास करना चाहते हैं? खैर छोड़िए, जब तक हम इस क्लास में हैं पूरी तरह से मन लगाकर पढ़ेंगे। तो अभी हम सब एक ही उम्र के हैं, क्या उम्र है आपकी? 10वीं पढ़ने की उम्र है। 16 साल। ठीक है, अब से हम यहाँ रोज पढ़ने के लिए आएंगे। ओके अब आप लोग मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं?
पूत कपूत तो क्यों धन संचाए, पूत सपूत तो क्यों धन संचाए। दोनों ही अवसरों में धन संचित करने का इंसान को कोई फायदा नहीं। तो आज मैंने आपको जो पढ़ाया वो सब समझ में आया ना? इस सब को आप नोटबुक में कल लिख के लाना। सही है, ठीक है। हाँ हाँ, कल मिलेंगे, ठीक है। सब अच्छे से लिख लो। चलो चलो, आज की क्लास खत्म हो गई। चलो हाँ भाई, चलो चलो, खत्म हो गई। चलो चलो यार, क्या तुम लोग यही बैठे रहोगे क्या? चलो कल मिलते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे क्लास थे। सब लोग लाना, अच्छा लगा। कल से मैं खाना लेकर आऊंगी, ठीक। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम चलोगी साथ में? देवकी। हाँ देवकी। हाँ, मैंने कितनी बार मना किया था ना वहां से स्कूल नहीं जाना है। बूढ़ी हो गई फिर भी उनकी दसवीं पास करने की इच्छा नहीं गई अभी तक। दसवीं पास करके काम पर जो जाएंगे तो घर में बेकार बैठ के क्या करूं? तुम पढ़ाई के पैसे मत देना, मेरे पास रहेंगे तो दे दूंगी, मुझे पेंशन के पैसे आते हैं। हाँ, कैसी बातें कर रही हैं? इस पेंशन से कान की बाली लेने वाली थी, आप भूल गई क्या? मैं नहीं भूली। मुझे बाली की जरूरत नहीं है, दादी की फीस भर देना। मैं चलता हूँ। दो दिन के बाद आ जाना बेटा। शुरू में प्रॉब्लम हो रही थी पर मैंने जिद की तो सब मान गए। अरे तुम यहाँ बैठे हो, अकेले अकेले बैठे रहोगे तो क्या होगा? चलो कुछ पढ़ो लिखो ना। एग्जाम के लिए तैयारी तो करनी ही पड़ेगी ना। हाँ हाँ, वो तो है ही। मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे। बिल्कुल। ओहो, आप दोनों यहाँ बैठे हो क्या? अच्छी खुशबू आ रही है भाई साहब। मेरे कपड़ों से ना? अरे हो जन्नते, फिरदौस लगा के आया हूँ। क्या किस? मेरे पिताजी बहुत पसंद करते थे, आज उन्हीं से मांगा था। लो तुम भी सुन के देखो। मुझे ये पसंद नहीं है, दूर रहो। अच्छा अबू, काम की बात तो करो। हाँ, दो मास्टर जी जो है ना वो तुमसे कुछ कहना चाहते है। मुझसे? हाँ। सरस्वती तुम तब तक हमारे साथ चलो। मुझे अरे बाद में सुन लेना ना। क्या सरस्वती, तुम भी हमेशा बच्चों की तरह ये सुन के मुझे बता देगी? हाँ ठीक है, ठीक है, तुम इसे ले जाओ। हाँ हाँ। सरस्वती जल्दी आ जाना। हाँ हाँ, हाँ, हाँ। जाऊंगी। नहीं भूली मैं, याद तो करती हूँ पर डर लगता है। अब हम कैसे कैसे मिल सकते हैं? मेरी जिंदगी का पहला प्यार तुम ही हो और तुम्हारे अलावा कोई नहीं। ऐसी हरकतें कर रहे हो बच्चों की तरह। आप मुर जाओ, हम फिर मिलेंगे एक दिन जरूर, बातें पुरानी भुलाओ, सपनों की तरह वापस एक हो जा हम फिर मिलेंगे एक दिन जरूर, बातें पुरानी भुलाओ, सपनों की तरह वापस एक हो जा सुनो, मैं
तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछो। क्या तुम मुझे अपना चेहरा दिखा सकते हो? चल पागल कहीं का। वक्त अब बतला जो, नया दोस्त बनवा लो, बदलो जियो पल ये जिंदगी के प्यारे। वक्त अब बतला जो, नया दोस्त बनवा लो, बदलो जियो पल ये जिंदगी के प्यारे। फूलों की तरह खिलखिलाते रहो तुम सदा, प्यार से जो मिले उसे अपना लो, प्यार में प्यार से बीती बातें भुला दो, भूल जाओ हम फिर मिलेंगे एक दिन जरूर, बातें पुरानी भुलाओ, सपनों की तरह वापस एक हो जा, एक हो जा, एक हो जा। साथ जिएंगे ये दोस्ती हमारी, खिलखिलाते रहो तुम सदा, प्यार से जो मिले उसे अपना लो, प्यार में प्यार से मेरी बातें भुला दो, भूल जाओ हम फिर मिलेंगे एक दिन जरूर, बातें पुरानी भुलाओ, सपनों की तरह वापस एक हो जा, एक हो जा, एक हो जा। दर है ना? हम लोग भी तुम्हारे साथ चले क्या? अरे भाई क्यों मजाक कर रहे हो, चलो ना चुपचाप। दोस्त हैं, हंसी मजाक तो करते रहते हैं। और कैसी हो कल्याणी? मैं तो अपने घर में नौकरानी की तरह हूँ, अब क्या कर सकती हूँ, बच्चे बड़े जो हो गए, लाइफ है। तुम्हें वो पुरानी बात याद है? ये वही पेड़ है ना, यहाँ तो हम दोनों। कल्याणी, कल्याणी, अरे रुको। ये तो एक ही है। नहीं, तुम खा लो इसे, मुझे नहीं चाहिए। कल्याणी, ए, नहीं, अरे रुको, अरे, लो ना खाओ, हे कल्याणी। कुछ है तुम्हारे लिए, एक नहीं है। बाहर चला गया था भाई। हाँ चलो यार, क्या तुम लोग जब तक के मास्टर जी नहीं आते पढ़ाई शुरू नहीं करते हो?
क्योंकि मास्टर जी तक नहीं पढ़ोगे क्या? तुम अभी भी बहुत सुंदर हो, हमेशा मजाक मत किया करो। तुम भी ना, सच में आप भी। अरे भाई आओ बैठो बैठो। बच्चों जैसी बहन चाहिए, बच्चों की बहन चाहिए। अरे अरे मैंने कहा मारा? अरे तुम जरी उससे कह रहा हूँ, मैं मार देता हूँ। अरे अब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आया मजा आया। बैठ जाओ, आराम से बैठो, आराम से। आगे से मेरे साथ बदमाशी मत करना। अबे शांति से पढ़, शांति से। अरे आपस में झगड़ा क्यों करते हो? हाँ चुपचाप रहो, शांत हो जाओ। अरे शोर बंद करो, मास्टर जी आ गए। मास्टर जी आ रहे हैं, चुप बैठ जाओ। मास्टर जी, नमस्ते। मास्टर जी, नमस्ते। मास्टर जी, नमस्ते। तो अभी हमारा मेन एग्जाम अगले महीने होने वाला है, उसके लिए आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, राशन कार्ड और आधार कार्ड भी लगेगा। क्या बात है, आप लोग क्यों हंस रहे हो? हमें भी बताइए, हम सब हंसेंगे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है मास्टर, मेरे मन में ये सवाल था कि हम सब की फोटो तो खींची जा सकती, पर हाजिर की बीवी की फोटो कैसे खींची जाएगी? वो तो बुरके में रहती है। बहुत अच्छा है, उसे स्टूडियो जाने की जरूरत ही नहीं, वो एक काला कागज लाकर दे देगी। देखिए वो सब मैं नहीं जानता, पर मुझे फोटो चाहिए, ठीक है? मेरे पास फोटो है मास्टर जी, पासपोर्ट बनाने के लिए मैंने फोटो खिंचवाई थी। शकल नहीं तो ना सही, फोटो ही दिखा देना। शकल से सुंदरी होगी, एक ना एक दिन हम इसकी शकल भी देख ही लेंगे। वो कैसे? अरे लोगों में पढ़ाई का कुछ ऐसा जोश बढ़ा है, पहले गांव में किसी के घर पेपर नहीं आते थे, पर आजकल आने लगे। हाँ पेपर तो ले रहे हो, पर पेपर का बिल आप ही भरना। ठीक है भर दूंगा। पिताजी आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? इस उम्र में तो ऐसा मत कीजिए। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, तुम मुझे क्यों समझा रहे हो? हमारी तो बेइज्जती हो रही ना, इन्हें क्या पता होगा। ये घर और जायदाद अपने नाम से करवाने के लिए कहा था, अभी तक उसका फैसला भी नहीं किया आपने। मेरी बात सुनो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, समझे? सुनो तो, ये हजियार की बीवी की शक्ल देखी तुमने? खास नहीं होगी लेकिन गोरी है, ऐसे तो अच्छी लगती है। ये क्या, वो लोग वहां बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं, लगता है उन्हें कोई समस्या जरूर है। मेरे मरने के बाद चाहे वो जो कुछ भी करे, तब मैं उसे नहीं रोक पाऊंगा। अपने बेटे को पालने के लिए मैंने बहुत कष्ट उठाया है, पर इस बात को नहीं समझता, इसका बहुत दुख है। इसमें दुख की क्या बात है, आप अभी इस हाल में नहीं है कि अपने घर और जमीन को बेच दे, देखना सब ठीक हो जाएगा। सुनिए मुझे अभी किसी काम से जाना है, आप लोग क्लास संभालिए, हम लोग बाद में मिलते हैं, ठीक है?
आखिर ये काम किसने किया, कुछ पता चला क्या? तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैंने भी कुछ नहीं कहा। पता नहीं क्या बोल रहे हैं सर। सही कहा तुमने, मेरी जानकारी के बिना इस गांव में पत्ता तक नहीं हिल सकता। उसका हाथ पैर किसी ने तोड़ दिया ऐसा सुना है, अभी जिंदा है कि नहीं नहीं मालूम। सबको ऐसा ही सोचने दो। हाँ, गांव वालों के दिलों में हमारा डर होना चाहिए, फिर भी तुम लोग सावधान रहना। उन बुड्ढों को किसी भी तरह सबक सिखाना ही होगा, समझ गए ना? जमाल, पराठे के लिए आटा तैयार करके रख लो। तुम लोग यहाँ पर बैठे हो क्या? मैंने सुना उस मास्टर के साथ बहुत मारपीट हुई है, ये बात सही है क्या? मैंने सुना उसे बहुत चोट आई है। बहुत चोट आई है? ये काम किसने किया? पता नहीं, पर पता तो चलना चाहिए ना, आखिर मास्टर जी को मारा किसने? मैं सब समझ गया, ये मास्टर ही लासर का सबसे बड़ा दुश्मन है, लासर ने ही किया होगा। अरे गांव वाले कह रहे हैं वो बाहर से गुंडे लेकर आया था, उन्हीं से करवाया। अच्छा? है काम। ओहो, बस आगे रुक। चलो भाई ये लीजिए। मेरे घर पर आने के लिए मास्टर जी मना कर रहे थे। क्या मास्टर जी, आप भी ऐसा करते हैं, इस समय ये सब थोड़ी सोचना चाहिए। सुनो बेटी, खाना तैयार करो। चलिए मास्टर जी, अंदर चलते हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे जाना है, कुछ काम है। अरे मास्टर, आप अंदर जाके आराम तो करिए, बाहर का काम हम लोग देख लेते हैं। चलिए ना मास्टर जी। किसके कहने पे किया? मैंने मास्टर जी को नहीं मारा। अरे साहब, चिल्ला क्यों रहा है? बहुत मारा उन लोगों ने। तो तू यहाँ मार खाकर आ गया, तेरे पास हाथ नहीं है क्या? वो लोग दो तीन जन थे, मैं कुछ नहीं कर सका। तो उन लोगों को कुछ करना पड़ेगा, उन लोगों ने पहले मेरा गला पकड़ लिया। उसके बाद तीनों लोग मुझे कुत्ते की तरह मारने लगे, वो लोग एक एक करके आते तो हगना मुता भूल जाते। लेकिन मुझे तो ये खबर मिली है कि तू इस जन्म में कभी शुशु नहीं कर पाएगा। अरे क्या है ये? वो दोनों शेर की तरह लग रहे थे, इसीलिए मैं यहाँ आकर बैठ गया हूँ। अभी बात आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन किसी भी तरह उनकी पढ़ाई बंद करवानी होगी। अगर ये हो गया तो हमें बहुत तकलीफ होगी, इसे रोकना ही पड़ेगा।
और लासर इसे रोक कर ही रहेगा। अब्बू के कारण इस गांव में एक समय बहुत हंगामा हुआ था, और ये हंगामा हुआ था कल्याणी को लेकर। जानते हो, ये बहुत परेशान हो गया था। और उसके बाद इस अब्बू ने क्या किया पता है? ये कल्याणी को लेकर दूसरे गांव में चला गया और वहीं शादी कर ली। फिर सब कुछ ठीक हो गया। सुधाकर भाई, आप सीरियस हो गए क्या? कल्याणी, हम कल भी मिलेंगे नहीं, ना? पिताजी को पता चलेगा तो मुझे मार डालेंगे। मुझे लगता है सुधाकर जी, कल्याणी जी भी आपसे प्यार करती है। ये बात उनकी आंखों में दिखती है। ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ जीना चाहते थे, पर उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। तो क्यों ना अब हो जाए। देखो, वो चाहे कुछ भी कर ले, हम लोगों ने जो सोचा है वो करके ही रहेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। पर ये सब करना ठीक होगा क्या? ठीक है, एग्जाम होने दो, बाद में देख लेंगे। कल आप क्लास में आएंगे? हाँ, जरूर जरूर। बसंती, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? कैसे शादी करूंगी? पिताजी के पास पैसा भी तो होना चाहिए ना। लगता है मेरी शादी अब कभी नहीं होगी। अच्छा मास्टर जी, आपने अपने बारे में तो अभी तक कुछ नहीं बताया। मेरे माँ बाप की भी लव मैरिज हुई थी। जब मेरी उम्र 5 साल की थी तब मेरे पिताजी मारे गए। फिर मेरी माँ और मैं अकेले हो गए। मेरी माँ मेरी पढ़ाई के लिए, मेरी यूनिफॉर्म के लिए, फीस के लिए बहुत मेहनत करती थी, और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मेरे कुछ बनने के पहले ही वो चल बसी। तुम्हारा नाटक खत्म हो गया क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? मैं मास्टर जी को खाना खिला कर आ रही हूँ। उसको खाना खिला के आ गई ना? हाँ? उनके हाथ में लग गया है ना बेचारे। बेचारा बेचारा, बस करो ये नाटक। तुम्हारी माँ मरने के बाद मैंने दूसरी शादी इसलिए नहीं की कि तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, और तुम होगी मुझे छोड़कर उसको खाना खिला के आती हो। मेरे लिए तो वक्त ही नहीं ना तुम्हारे पास। बस जो भी है वो ही है और कोई नहीं। पिताजी, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा यह बचा कुचा खाना। मैं कहता हूँ आज ही से ये नाटक बंद कर दो। कल सबसे पहले मुझे खाना चाहिए, समझी? लेकिन खाना पकाने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। जो पैसे मिले थे वो तो आपने लेजर को दे दिए। खाना खाना है तो खा लो, फालतू की जिद करते। चाहे लासर कितना भी रोकने का हमें कोशिश करे, लेकिन हम तस्वीर पास करके ही मानेंगे। चक्कर लग रहा है। अरे भाई, हम लोग पढ़ लेंगे तो उसको क्या मतलब है? क्या हो रहा है? उसको क्या दिक्कत है? तो दसवीं पास करना ही है किसी। अरे गांव के लोग अनपढ़ रहेंगे तभी तो उसकी बात मानेंगे ना। अरे लासर क्या पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे पे अत्याचार थोड़ी कर पाएगा। करना
मैं तो पहले से ही कह रही थी कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। अब सब पता चल गया ना तुम लोगों को। अब देखो ये शशि है ना, यहाँ क्यों आ रहा है? बुढ़ापे में जो तुम लोग ये सब हरकत कर रहे हो ना, वो ठीक नहीं है। जान से मार दूंगा तुम लोगों को, कह रहा हूँ। अरे तू सालो, अरे ये लोग ऐसा क्या कर रहे हो? ये सब नहीं चलेगा। अरे रुको, अरे नाम भी शशि अलग करो इनको, हटो हटो, छोड़ बेटा, जान से मार दूंगा, कोई अच्छा बात नहीं है। अरे बेटा रुको, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, आओ इधर आओ, आओ तुम पीछे जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। अरे छोड़ दो, छोड़ दो। कल दोनों लड़ने लगे, कल्याणी का बेटा और सुधाकर। एक मिनट साहब, एक मिनट। में हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए एक आदमी आया है। चलो मैं आता हूँ, एक मिनट में आता हूँ। ये है वो। नाम क्या है? सुकुमार यादव। तुम यूपी का हो? जी, पिताजी यादव हैं और माँ नायर। उम्र कितनी है? 30 साल। पार्टी में आने में बहुत समय लगा दिया। हे दे तो जरा, मेंबर बनाना है ना। हाँ हाँ हाँ। आज से तुम हमारी पार्टी के मेंबर। अब तुम पार्टी के मेंबर बन चुके हैं। चलो आप पार्टी के लिए काम करो, जाओ जाओ। चलो देखो इन सबका ख्याल रखना, जाओ। माफी चाहता हूँ आपको इंतजार करना पड़ा। हाँ तो क्या कह रहा था मैं? स्कूल में मारपीट। छे पकड़े से। हाँ साहब। Hey, जल्दी लाना। लाता हूँ साहब। सुन सुनिए, मैं जब परेशान हो जाता हूँ तो अपने बगीचे के आमों से मैं शराब बनाता हूँ और फिर उसे पीता हूँ। पता है इसे पीने से मुझे बहुत शांति मिलती है। चल तू भी पी ले। देख सुनील, कैसे बताऊं समझ में नहीं आ रहा है। कल्याणी के साथ तुम्हारे पिता का कुछ संबंध है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा गांव कह रहा है। ये लासर भाई सिर्फ सुनी सुनाई बात पर विश्वास बिल्कुल नहीं करता। अरे करना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी गांव वाले ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं तो इसमें कुछ तो सच्चाई जरूर होगी ना। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अगर सब लोग ऐसा ही कहेंगे तो फिर हम कैसे जी पाएंगे? अरे चाय भी गर्म नहीं है। तुम्हारी मां ने मरते वक्त मुझसे कहा था मेरे बाद मेरे बेटे का ख्याल रखना। जब वो गई तो तू 8 साल का था बेटा। चाहे जो भी हो, मैंने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की है। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम? मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज के बाद आप स्कूल नहीं जाएंगे और उस महिला से कोई संबंध नहीं रखेंगे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, आप लोग घर में नहीं रह सकते हो क्या? ए शशि, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी माँ के बारे में गांव वाले क्या बक रहे हैं? हे, तुम इसे अच्छी तरह समझाओ ना, तुम इसे समझाते क्यों नहीं? ये अच्छी बात नहीं है।
तुम्हारी एक जवान बेटी है उसके बारे में सोचो, अब उसका क्या होगा? मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। एक चाय लाने के लिए कहा था, अभी तक आई क्यों नहीं? अच्छी ला रही हूँ, मेरे दो ही हाथ हैं। पता नहीं चाय पीते बैठे हैं कब से, पता नहीं कितनी चाय पीते हैं। मैं जरा गैस बढ़ा कर देना। अब तू मुझे सिखाएगी? हाँ, तू बर्तन रख और जा, जाके पढ़। यहाँ जरा भी शांति नहीं है। ये बर्तन कितने की आवाज है पिताजी? दादी? दादी हम साथ में मिलके पढ़ाई करें? यहाँ आज के बाद पढ़ाई के बारे में कोई बात नहीं करेगा। पिताजी नाराज हो गए, अभी मैं नहीं पढ़ूंगी। माँ, पिताजी बाहर जा रहे हैं। हाँ जाते हैं तो जाने दो, यहाँ रहेंगे तो चिल्लाएंगे। यहाँ सब लोग मुझे दुख देने के लिए ही बैठे हैं, जरा भी अक्ल नहीं है किसी में। कुछ नहीं चाहिए, एग्जाम पढ़ाई इन सब के लिए कुछ नहीं चाहिए। सुधाकर और कल्याणी नहीं रहेंगे तो एग्जाम कैसे देंगे? इसके नाम से यहाँ पहले ही बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, ना ही पहले की तरह दोस्ती रह गई है और ना किसी बात की खुशी है। अब बहुत हो गया, हम नहीं सहेंगे। आप लोग ऐसा मत सोचिए, ये तो आप लोगों का सपना है। मास्टर जी, आप हमारा भला चाहते थे, इसके लिए आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब आप पीछे हट जाइए। अगर कोई भी समस्या होती है तो होने दो, चाहे जो भी हो मैं उसे निपट लूंगा। इस समय सवाल ये है कि आप लोगों की पढ़ाई पूरी कैसे हो? मैंने इतनी कोशिश की है, मेरी कोशिश बेकार नहीं जानी चाहिए। आप लोगों को किसी भी हालत में एग्जाम पास करना ही होगा। मास्टर जी की बात सही है, किसी के डर से हमें अपना सपना नहीं तोड़ना चाहिए। तुम्हें एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। कैसा लगा लासर का खेल? हाँ, पढ़ाने आया था, मैंने उसे ही पढ़ना सिखा दिया, मुझसे पंगा लेगा। उस दिन मैंने उसे जाने के लिए कहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। कहता था मुझे बुजुर्गों को शिक्षित करना है, सबको पास कराऊंगा। ये पकड़। अब देखते हैं वो लोग कैसे एग्जाम दिला पाएंगे। क्लास बंद करके अगर एग्जाम देने दिए तो क्या करेंगे साहब? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक लासर नहीं चाहेगा, इस गांव में इतनी हिम्मत किसी में नहीं। अरे देखो मास्टर आ रहा है, अभी नाम लिया 100 साल जिएगा। लासर भाई, मैं यहाँ किसी को नीचा दिखाने या फिर झगड़ा करने नहीं आया, वो सब मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सिर्फ लोगों को पढ़ाना, इसीलिए आप कोई समस्या खड़ी मत कीजिए, ये मैं आपसे विनती करता हूँ। सुनो मास्टर, मेरे पिताजी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो। वो 20 साल तक यहाँ के पंचायत के अध्यक्ष थे, कोई विपक्ष में नहीं होता था। वैसे बाप का बेटा है ये लासर, मैं पंचायत का अध्यक्ष ना बना परवाह नहीं, पर मेंबर तो बनना ही चाहिए, और उसके लिए ये लासर कोई भी खेल खेल सकता है और किसी भी हद तक ये लासर जा सकता है। समझ गए? मेरी बात सुनो, मैं तुमसे जो कराना चाहता हूँ करो। इस गाँव में कोई भी परीक्षा नहीं दे सकता है, ये मेरा फैसला है। आप शायद ये नहीं जानते कि मेरा नाम रंजीत है, मेरे नाम के आगे जीत है। आपको बता दूं, मैं किसी से आसानी से हार नहीं मानता, इसीलिए मैं उनका सपना जरूर पूरा करूंगा। समझ गए लासर भाई? चल हट। ऐसा होगा ये हमने कभी नहीं सोचा था, इन सब का कारण वो लासर ही है। हाँ यार, अगर वो लासन एक बार हमारे हाथ में लग जाए ना, तो गीले बाम्बू से मार के जान से मार देंगे उसे। अरे वो लासर बहुत ही शक्तिशाली आदमी है, और मैंने तो सुना था कि उसने बाहर से भी गुंडे मंगवा लिए हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं मेंबर, हम सब ये एग्जाम देके पास होने के बाद सबके सामने सर उठा के जिए,
लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है। हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, अब ऊपर वाले की क्या मर्जी है देखते हैं। अरे अब्बू, मास्टर ने कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए हम एग्जाम देंगे। चलो साहब जी ने मुझे क्यों बुलाया था? अब मुझे क्या पता, कोई काम होगा इसलिए बुलाया है। ये कौन सी जगह है? आजकल हमारे साहब बड़े बड़े लोगों से यही मुलाकात करते हैं। आओ आओ, आप क्यों घबरा रहे हो? साहब ये आ गए। बैठो। हाँ हाँ बैठिए ना। आओ बैठो बासु। अरे बैठो। पता नहीं इसका। बैठो ना। समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम तो हमारे अपने आदमी हो। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया साहब जी? बुजुर्ग लोगों को जो पढ़ाने आया हुआ है उस मास्टर का वासु की बेटी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, ऐसा गांव वाले कह रहे हैं। सुनो वासु, तुम एक बाप हो और ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? हे साहब, आप अभी तक यहीं खड़े हैं? ए, वो अरे वहां। तुझे किसने बुलाया? वासु को बुलाना। वासु, मैंने बहुत सोचा लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी बेटी का क्या होगा, उसकी शादी कैसे होगी। वैसे अगर तुम चाहो तो ये लड़का उससे शादी कर सकता है। ये उतना बुरा लड़का नहीं है। अगर तुम हाँ कहो तो शादी का पूरा खर्चा मैं दूंगा और इस गांव में घर बनाने के लिए जगह भी दूंगा। सोच लो तुम्हें अपनी बेटी को कैसे मनाना है। जाओ। हाँ क्या है? ए अरे साहब, अगर आप उसके साथ ऐसा करेंगे तो अरे वो कहीं का नहीं रहेगा। चुप हो जा। तू क्या समझता है, जो पैसे और ताकत से नहीं झुकता है उसे प्यार से झुकाना पड़ता है, और वो झुकेगा मास्टर भागेगा, भागता ही रहेगा। अरे साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा, तुमने जानू की बात सुनी? वो जो बाहर से आदमी है उससे दूसरी शादी करेगी। अच्छा? हाँ, हम जाएंगे तो कोई रास्ता निकालेंगे ना, उसे समझाएंगे। हाँ, मास्टर ने तो बहुत बुरा किया। इसकी बेटी तो इसको क्या कमी है, इसकी बेटी तो मास्टर के साथ चक्कर चला रही है। कैसा बाप है, मास्टर के साथ अपनी बेटी का चक्कर चला के खुश हो रहा है। तुझे मैंने कितनी बार समझाया था बाहर मत जाया कर। पिताजी आप मुझे मार क्यों रहे हैं? बेटी बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा ले। आज के बाद पढ़ाई लिखाई का नाम नहीं लेगी। पर मैंने कोई गलती नहीं की। चुप रहे, उस दिन मैंने कहा था कि वहाँ मत जाया कर। राम जी के पैर पकड़ के तेरी शादी की बात पक्की की है। चला बंदर जा। मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मैं आप लोगों के लिए एक चिट्ठी छोड़ के जा रहा हूँ और जानता हूँ मेरी हरकतों से आप सब लोगों को दुख होगा। मैं और बसंती एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम इस गांव में रहते तो शायद हम कभी सुखी नहीं रह पाते, शायद आप लोगों से नज़रें भी नहीं मिला पाते। इसीलिए मैं बसंती को लेके जा रहा हूँ, हो सके तो आप हमें माफ़ कर दीजिए। आपका प्रिय मास्टर। मास्टर हमारे पीछे ये किया? उस मास्टर ने तो हमें बेवकूफ बना दिया। मास्टर तो हमें उल्लू बना के चला गया। गोपाल भाई, ये लो चाय के पैसे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये लो बाकी के पैसे। तुम लोग मास्टर की बहुत तारीफ कर रहे थे कि ममूटी की तरह चेहरा है, ममूटी की जैसी उसकी चाल है, वो ममूटी जैसा दिखता है, ममूटी लेके भाग गया ना लड़की। लेकिन मास्टर ऐसा करेंगे ये हमने सोचा थोड़ी था।
हाँ, लेकिन लड़की भी तो उसके साथ चली गई। अरे तुम लोगों को पहले ही ध्यान देना चाहिए था। अब जो होना था वो हो गया, लेकिन अब लड़की के बाप का क्या होगा? मेरी बात सुनिए, आप चाहे मुझे कुछ भी कह लें उसका कोई फायदा नहीं। आपसे सारे लोग नाराज हैं, पंचायत कमेटी भी आपसे ज्यादा खुश नहीं है। आप मेरी बात मानिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा देना क्या आपको खाना खाकर प्लेट धोने के जैसा काम है? मेंबर, आपको मुझ पे नाराज होने का कोई फायदा नहीं। ये पार्टी ने फैसला लिया है, आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। ये पार्टी और पार्टी के लोग मेरे ही हैं। मैं डर कर इस्तीफा नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। छे, तुम इस्तीफा नहीं दोगे, दारू पी के लोग हल्ला मचाएंगे, उसका कोई फायदा होगा क्या? तुम इस्तीफा दे दो, यही सबका फैसला है। मैं भी देखता हूँ आप क्या करते हो। देखता हूँ। अरे सुनो, इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं जो कह रहा हूँ, अरे सुनो, उसे कोई समझाओ यार। नहीं नहीं कहेगा तो कैसे चलेगा? ए, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे सब लोग ऐसे ही कहेंगे तो मैं हड़ताल को कैसे रोक पाऊंगा? हमारी पंचायत के सभी लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि 15 नंबर वार्ड के मेंबर को इस्तीफा देना ही होगा। हम लोग उसके लिए ये आंदोलन शुरू कर रहे हैं। आपने हमारा विश्वास तोड़ा है। 15 नंबर वार्ड के मेंबर बुजुर्गों की पढ़ाई के नाम पर गलत काम कर रहे हैं, ये हमें मालूम पड़ा है। इसलिए पंचायत के मेंबर को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये पूरी पंचायत का फैसला है। यहाँ की तरफ से ये मुद्दा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। उन्हें इस्तीफा देना ही होगा। मेंबर कमाल इस्तीफा देना चाहिए। मेंबर कमाल को इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग सब जब तक मेंबर कमाल इस्तीफा नहीं देंगे यहाँ पर धरने में रहेंगे। मेंबर कमाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। मेंबर कमाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। मेंबर को इस्तीफा देना पड़ेगा। गलत काम करने वाले मेंबर को इस्तीफा देना पड़ेगा। मेंबर कमाल गलत काम करने वाले मेंबर को इस्तीफा देना पड़ेगा। गलत काम करने वाले मेंबर को इस्तीफा देना पड़ेगा। गलत काम करने वाले मेंबर को इस्तीफा देना पड़ेगा। अबू भाई, तुम्हें नहीं पता मैं कितना दुखी हूं। उस मास्टर ने आखिर ऐसा क्यों किया? अबू भाई, वो इस गांव की लड़की को लेकर चला गया। अब ये सब देखकर हम तुम कैसे जी पाएंगे? छे! अब तुम्हें क्या बताऊं? मेरा बहुत बड़ा सपना था कि इस गांव में बहुत डॉक्टर्स हो, बहुत इंजीनियर्स हो। अब मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, मैं चाहता था कि तुम पढ़ो, पढ़कर तुम एक बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओ। लेकिन क्या हुआ, मेरा सपना सपना ही रह गया। अब्बू भाई डॉक्टर की जगह पर कुछ और बन गए। बस करो झूठे मक्कार लासर। मैं जानता हूँ जो भी हो रहा है उसके पीछे तुम ही हो। तुम हमें रोक नहीं पाओगे। हम परीक्षा भी देंगे और पास भी होंगे, ये देख लेना तुम। पढ़ेगा ये, पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा। सुधाकर,
दादी दादी आपको स्कूल नहीं जाना क्या? मैं पढ़ के क्या करूंगी बेटा, इसलिए स्कूल नहीं जा रही। हाँ अरे आप यहाँ क्यों आए हो? शशि घर में है क्या? वो बाहर गया है, आप जाओ यहाँ से, अगर उसने देख लिया तो। क्या कर लेगा, हमने तो कोई गुनाह नहीं किया है। मैंने कोई गलती की है क्या? नहीं की है, नहीं की गलती, फिर भी इतना हंगामा हो गया ना। अब मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शशि शशि क्या कर रहे हो, छोड़ो इन्हें। शशि मेरी बात सुनो बेटा, शशि छोड़ दो इन्हें। शशि शशि क्या कर रहे हो तुम? शशि बेटा माँ मेरी बात सुनो, तुम ही समझाओ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ हो तुम? साहब वो तो कहीं का नहीं रहा। शशि उस पर हाथ उठाएगा ये नहीं सोचा। क्या करे भाई, लेकिन वो कहाँ गया होगा? हाँ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। अरे ये तो यहाँ पर है। अरे ये यहाँ क्यों बैठा है? सुधाकर ये सब क्या है? क्या है भाई, हम लोग ये क्या सुन रहे हैं? सुधाकर ए सुधाकर रो क्यों रहा है तू? मत रो। अब हमें इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जो भी हो रहा है लासर के कारण ही हो रहा है। अबू अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा। दादी दादी ये दादी कहाँ चली गई? माँ माँ क्या दादी हुआ? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ गई? मुझे नहीं पता, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया। माँ माँ कहाँ चली गई इतनी रात को? माँ बाहर गेट भी तो बंद है, इसने तो हमें परेशान करके रखा है, इंसान को चैन से भी नहीं रहने देती। शशि 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 माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लगता है कहीं चली गई। इसे तुम है?
अरे छोड़ो छोड़ो क्या कर रहे हो, दोनों को छुड़ाओ, खींचो इधर, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम, क्या हो गया तुम लोगों को, चलो इधर छोड़ो छोड़ो, तुम लोग यहाँ लड़ रहे हो और वो लोग वहाँ जान देने पर तुले हुए हैं। तुम्हें तुम्हारा बाप नहीं चाहिए। आ गया माँ का लाडला बेटा, तुझे यहाँ किसने बुलाया था, चला या मुंह उठा के चुपचाप खड़ा रहा वहाँ। माँ जी ऐसा मत कीजिए, ऊपर आ जाइए ना। आज माँ पर बहुत प्यार आ रहा है, चलो निकलो यहाँ से। इससे प्यार नहीं करते हैं मेंबर, ये तो इस औरत से यहाँ नौकरानी की तरह काम कराते हैं और खा खा के मोटे हो गए हैं। तुम्हारे जैसे बच्चे नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। यहाँ कोई किसी के माँ बाप नहीं है, सच्चाई तो यह है कि इन्हें घर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे औलाद होने से तो बे औलाद होना ही अच्छा है। जानती हो ये पैसे कहाँ से हैं? जब तुम्हारा बाप करंट लग के मर गया था तो सरकार ने कल्याणी को ये पैसे दिए थे, तब से आज तक उसने एक पैसा भी इसमें से खर्च नहीं किया, तुम्हारे लिए रखा। उसने ये पैसे क्यों बचाए? क्योंकि ये जो उसकी पोती खड़ी है ना, ये पैसे उसकी शादी में काम आए। ये लो लेके जाओ। दादी माँ नहीं, दादी माँ नहीं, तुम लोगों ने क्या समझा, मैं और सुधाकर प्यार करके यहाँ से भाग जाएंगे? इसे देखो, इसे कहते हैं प्यार। बुजुर्ग होने के बाद क्या तुम सब अपने बूढ़े माँ बाप से जरा सा भी प्यार करते हो क्या? तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी रहती है और बूढ़े माँ बाप की खुशियों का ख्याल तुम नहीं रख पाते। तुम्हें माँ बाप से संपत्ति चाहिए, सिर्फ अपने लिए खुशियाँ चाहिए, यही सच है। प्यार के नाम पे तुम हमें बेवकूफ बनाते हो। मैं अपनी सारी जिंदगी घर का सारा काम करती रही, पर तुमने मुझे जरा सा प्यार या सम्मान दिया क्या? बोलो ना, दुनिया की सारी माँ यही करती है। हम लोग आपस में सुख दुख की बातें करते थे, इसमें गलत क्या है? बुजुर्ग हो गए तो उन्हें प्यार और अपनापन नहीं चाहिए क्या? बच्चों को तो बस उनकी जायदाद चाहिए। एक बार जायदाद मिल गई तो फिर वो किसी काम के नहीं है ना। ये जायदाद कमाने के लिए हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, ये कभी सोचा है? हमारी जिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई, मैं और सुधाकर आगे भी दोस्त बने रहेंगे, अपनी खुशियां बांटेंगे, अपने दुख साथ में सहेंगे, एक साथ चलेंगे और एक साथ ही रहेंगे। किसी को कोई ऐतराज है क्या?
बुजुर्गों को पढ़ाकर शिक्षा देने आया था एक मास्टर, लेकिन क्या हुआ, वो इस गांव की एक लड़की को लेकर ही यहाँ से भाग गया। और उधर क्लासरूम में क्या हुआ, सुधाकर और कल्याणी बुढ़ापे में मोहब्बत करने लगे। जो लासर का बिजनेस बंद करने की सोचेगा उसे लासर कभी नहीं छोड़ेगा, बर्बाद कर देगा। ये देखो, बुजुर्ग सवार हैं अपनी ताकत दिखाने के लिए। जा सबको मार। अरे साहब चिंता मत करो। आज इन्हें छोड़ना चाहिए। शराब बनाएगा, गांव में शराब बनाएगा। सुधाकर चल निकाल। हमारी ताकत के बारे में पता चलेगा। ये और ले। मारेगा। अरे भागो भागो भाग निकले यहाँ से। सर, नहीं छोड़ेंगे। अब सारे खेल तेरे बंद। आज तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। मार और मार। बहुत गंदगी फैला ली तूने। इसे छोड़ना मत। हमारे गांव की शांति छीनी है, हम सबको अलग कर दिया, हमने पढ़ने भी नहीं दिया, इसे तो जान से मार देना चाहिए। बहुत सबक सिखा दिया इसे। चलो आग लगा देते हैं। चलो आग लगा दो ये सब आपके कारखाने में। हाँ उठा। लगा दो सब, जला दो। अब देखते हैं ये गांव में कैसे शराब बेचता है। चलो चलो चलो। मैंने पहले भी कहा था, ऐसे लोग गांव में रहेंगे, गांव में किसी के ऊपर कोई भी अन्याय नहीं होगा, सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी।
सब लोगों ने 10वीं का एग्जाम भी दिया और पास भी हो गए और हमारा ये गांव बहुत ही खूबसूरत गांव बन गया। ये गांव हमेशा साफ रहे इसकी कोशिश में मैं आज भी पढ़ा हूँ और मैं भी पास होना चाहता हूँ। बस यही बात थी। थैंक यू सर। आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई ना? तो मेरी सारी बातों को फ्रंट पेज पे छपवा दीजिएगा, मेरा भी थोड़ा नाम हो जाएगा। okay, समझ गए ना? ओके okay. okay, अभी सब ठीक हो गया ना बच्चों? हाँ मैं चलता हूँ। ओके सर। बच्चे काटू मैंने मातृभूमि पत्रिका को सब कुछ बता दिया है, अब जाओ तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ कोई भी नहीं। हटो हटो, थोड़ा जाने दो, थोड़ा साइड दो। भाई चलो चलो जाने दो, आ जाओ।